सकता है, और अगर प्यार पहला हो तो इंसान दीवानगी में कुछ भी कर सकता है, जैसा कि प्रेम ने किया। बुर्का पहन वह आश्रम में घुस आया, पांव फिसला, हंगामा हो गया, पर वो बाल बाल बच गया। सुजाता और मीनू ने जल्द भाग जाने की हिदायत दी, पर प्यार में लट्टू कहां मानने वाला था, उसे तो अकेले में मुलाकात का वादा चाहिए था। सुजाता ने हार कर वादा भी कर दिया, पर मिलती कैसे, उस पर तो मैटरन का पहरा था। प्रेम की लकीरों में शायद सबसे लंबी लकीर इंतजार की थी। इंतजार खत्म हुआ, सुजाता प्रेम के सामने थी। दिल में प्यार, आंखों में पानी, जुबान पर सच्चाई, वो हवा की तरह आई थी, हवा की तरह चली गई। जनाब लौट आए? हाँ भाईजान, थोड़ा सा लेट हो गया। लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन इस आंख में चोली की क्या? कौन सी आंख में चोली भाईजान? कि आप लोग सो रहे होंगे इसलिए। इब्तिदा इश्क में ही आपकी सोच बदल गई, अब आगे आगे देखें। आपके बगैर मुझे नींद आ जाएगी, ख्याल उठता है। जानते हैं, आज एक ही शाम में आपसे कई गुस्ताखियां हो गई। आपने फोन तक नहीं किया, तीसरी के आपने आने की इत्तला तक नहीं दी, चौथी ये सोचना कि मोहसिन भाई सो गए होंगे। खैर, इन चाचा और गुस्ताखियों का सिलसिला तो लंबा चलेगा, कल बात करते हैं। नहीं है और सर पर काम भी बहुत है। सर पर काम लेकर लौटे? सर पर नहीं भाई जान, अपने दिल पर। मुझे सुजाता को भूलना होगा। क्या? हाँ भाई जान, किसी भी हालत में मुझे सुजाता को भुलाना होगा।
जली कटी बातें सुनाती है और फिर पीट करके सो जाती है। ठीक है, मुझे और बड़ा बड़ा कह दे, पर मुझसे बात तो कर। ठीक है, मुझे और डांट, पर चुप मत रह। जाता नाम की वो रस्सी तार रुक गई। प्रेम का खूना जाता किया है, प्यार भी खूना, वो मुट्ठियाँ कैसे खाली। मैं तो सिर्फ उसे प्यार करता हूँ, तो उसकी पूजा कर। मुझे जितना किया है उतना देना सिर्फ हर के बस की बात है। ये जगह कोई और होती है तो मेरे हाथों से सब था।
दुश्मन। आइए। नाम सुजाता नहीं है पर मोहब्बत हमें भी आपसे है, अंदर आ सकता हूं? भाईजान आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आपको अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत है, आइए ना। क्या एक इश्क हमने किया है पर किसी आशिक की सोहबत का पहला तजुर्बा है, सीखते सीखते सीख जाऊंगा कि आशिकों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो आपको एक कुछ खास काम निपटाना था, क्या वो निपट गया? निपटाने के चक्कर में काम दुगना हो गया। सुजाता को भूलने की कोशिश कर रहा था लेकिन महसूस किया कि मोहब्बत और भी गहरी हो गई, मैं उसे नहीं भुला सकता। क्या सूरज को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है? उसी तरह मियां पहले प्यार को उम्र भर नहीं बुलाया जा सकता। भाई फायर ब्रिगेड वालों को खास हिदायत है कि अगर आग पहले प्यार की हो तो पानी जाया न करे, वापस आ जाए। ये आग कभी ना बुझने वाली आग होती है। चलो हमारे यार के चेहरे पर हंसी तो आई, अब लगता है कुछ जिद करूंगा तो मान जाएंगे। कैसी जिद? डिनर कर, जब आप खाएंगे तो निवाले हमारे गले के नीचे होते हैं। भाई क्या है कि आशिकों को बिना खाए नींद आ जाती है, मगर शादीशुदा भूखा पेट होना तो रात आंखों में काटनी पड़ती है। सोचो। चलिए भाईजान, आपकी नींद के लिए मैं खाना खा लेता हूँ। ये हुई ना बात। हमें लग रहा है आशिकों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना हमें भी आ रहा है। बिस्मिल्लाह करो। हाथ रुक गया भाईजान, मुझे ज्यादा अगर नहीं मिली तो तुम्हें मोहसिन भाई की दोस्ती ही पसंद, हार मत मानो, डटे रहो। मिस्टर राजदान, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सलाह दूं, आप कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी पत्नी? माँ बन तो सकती है, फ्रेंकली स्पीकिंग मिस्टर राजदान, आपकी वाइफ का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें बच्चा तो हो सकता है पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर, मैं बच्चे के लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इतनी ईगर है तो ठीक है, पर मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये काफी लंबा प्रोसेस होगा और आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस भी लेनी होगी। मैं सब प्रिकॉशंस लूंगी, बस आप भगवान से एक बार कह दीजिए कि मैं माँ बन सकती हूँ। जी हाँ, आप जरूर माँ बन सकती हैं। मैं एक दवाइयों का कोर्स प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, बस कोर्स खत्म होते ही आपको एक बार चेकअप के लिए आना होगा। मैं जरूर आऊंगी डॉक्टर। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you.
शैतानी नहीं करना, ठीक है? और झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे तो हम सबको चॉकलेट देंगे, ठीक है? और हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे, ठीक है? अब सुनिए। अरे यार देखिए, कल रात को मैं काफ़ी परेशान था। आप सुजाता से सिर्फ इतना कह दीजिए कि एक बार फ़ोन पर मुझसे बात करें। देखिए मेरा ये छोटा सा काम कर दीजिए प्लीज। जी अच्छा, अच्छा। दुश्मन अच्छा हुआ जो आप दोनों ने उसे छोड़ दिया। किसने किसको छोड़ दिया है राजा? किसकी बात कर रहे हो राजा? वैसे कहने को तो हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है, जैसे शराफत, ईमानदारी, इंसानियत, वफादारी। नो आदर्श, नो उसूल। एक्चुअली मैं अपन तो जीते हैं भाई विदाउट रूल्स। तभी तो आप दोनों की चांदी है शर्मा जी। एक वो है रोहित सेठ, धंधा ही नहीं करना आता उसका। अरे मैं गया था उसके पास चंदन का तिलक लगाने के, और उसने बिना सोचे समझे उसे पानी से धो दिया। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना बैठा है राजा। ऐसा कौन सा चंदन का तिलक लेकर गए थे तुम उसके पास? कुंदन साहब, जुहू कोलीवाड़े में उसके दो प्लॉट है, प्लॉट नंबर 36 और प्लॉट नंबर 38। जो बीच वाला प्लॉट यानी कि प्लॉट नंबर 37, वो बड़ौदा के कपाड़िया सेठ का है, जिस पर झोपड़पट्टी वालों ने कब्जा किया। मैंने किसी तरह कपाड़िया सेठ को पटाकर वो प्लॉट उससे आगे लेके लिया। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं गया रोहित सेठ के, मैंने उससे बोला कि मैं उन झोपड़पट्टी वालों को वहां से हटा दूंगा और आपको ये प्लॉट 3/4 रेट पे दूंगा। अरे वो मुझसे बोलता है उन बेचारे झोपड़पट्टी वालों को क्या होगा। ये कीड़ा तो उसको शुरू से ही है। नहीं शर्मा, मैं गया था उसको समझाने के लिए, अरे तुम अपना फायदा दे, वो झोपड़पट्टी वाले जाए जहन्नुम। अरे वो मुझसे खड़ा होकर बोलता है कि झोपड़पट्टी वाले नहीं तुम जाओ जहन्नुम, और उसके बाद मुझे खड़ा होकर पता नहीं अंग्रेजी में क्या क्या गालियां देते। चिंता मत कर राजा, एक दिन उसकी सारी हैंकड़ी होल सेल में निकाल देंगे। उस प्लॉट नंबर 37 की क्या कीमत बोलता है वो? कुंदन साहब ये खरीदार के ऊपर डिपेंड करता है। मान ले कस्टमर मैं हूँ, कीमत बोल। अरे आपके लिए क्या कीमत कुंदन साहब, चलिए 40 में दिलवा दूंगा। 34 लाख दिया। अरे अरे तो टाइम पास है टाइम, वो क्या कहते हैं ना, हाँ अंताक्षरी टाइप। बाकी इनके पास में पैसे कहाँ हैं? पैसा नहीं है तो दिमाग तो है। तू पेपर तैयार करवा, पूरा पैसा 4 दिनों में तेरे पास। अरे ये क्या मजाक है, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे शर्मा जी, अपने अनाथ आश्रम वाले चेयरमैन जो हैं, क्या नाम है उनका, कांति सेठ, उन्हें सोशल सर्विस का बुखार चढ़ा रहता है। झोपड़पट्टी के गरीबों के लिए पक्के मकान के नाम पर उनसे चेक कटवाता हूँ और उन पैसों से कंस्ट्रक्शन कंपनी खुलवाता हूँ। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो मुझ पर यकीन बहुत करते हैं, क्योंकि कुंदन है ही। Thank you.
तो बिना कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरा नाम सर नहीं है, प्रेम नाम है मेरा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम ये जान पाते कि आने वाले अगले पल में क्या होने वाला है तो इंतजार का मजा ही खत्म हो जाता। बिना हम लोग इंतजार का मजा तभी महसूस कर सकते हैं जब इंतजार का अंत अच्छा हो। आज अगर सुजाता ने मुझे फोन नहीं किया तो मुझे कभी अपनी जिंदगी में किसी का इंतजार नहीं रहा। आज अगर उसने इनकार कर दिया तो कभी मेरी जिंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं होगी।